और आपको बताएं, भेरा में मोटरवे के करीब अलमनाक हादसा पेश आया। फ्लाईओवर के पिलर से टकराकर मुसाफिर वैन में आग लग गई। 11 अफराद झुलसकर जान बहक और 3 जख्मी हो गए। उच शरीफ में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। फैसलाबाद से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर वैन भेरा मोटरवे फ्लाईओवर के करीब हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 11 अफराद जान बहक और 6 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टायर बर्स्ट होने के बाद गाड़ी में आग भड़क उठी और गाड़ी बेकाबू होकर पिलर से टकरा गई। गाड़ी में लगी आग ने मुसाफिरों को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे 11 अफराद झुलस कर जान बहक हो गए। मरने वालों में एक खातून भी शामिल है। हादसे के 6 जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भेरा में इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद सरगोधा रेफर कर दिया गया। 9 अफराद मैयतें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भेरा में पहुंचाई जा चुकी हैं। दूसरी जानिब पंजाब के शहर बहावलपुर में एक तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद जान बहक हो गए। प्रेस के ज़राए के मुताबिक हादसा बहावलपुर के इलाके झांगड़ा शर्की के करीब पेश आया। हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए उच शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद ऑयल टैंकर ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है।